नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुक्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारत नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतले जैसे होंगे। ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारत मूल का व्यक्ति बन रहा है। भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर हम पर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के अपने देश में अब भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की आबादी के लिहाज से देखें तो यूके का रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। पूरे ब्रिटिश राज के दौरान जितने अंग्रेज भारत में रहे हैं उसके 10 गुना भारत आज यूके में रहते हैं। 1941 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त भारत में 1,44,000 करीब ब्रिटिश रहते थे। आज ब्रिटेन में भारत मूल के लोगों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। यूके में बसी भारत आबादी वहां शिक्षा प्रोफेशन राजनीति हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही है। इसी दबदबे का असर है कि ब्रिटेन की लगभग हर सरकार में अब कैबिनेट में भारतीय चेहरा जरूर होता है। भारतीयों की पहचान और उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ भारतीयों के बीच ही नहीं है बल्कि यूके में बसे अंग्रेजों और अन्य एथनिक ग्रुप्स के बीच भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि ऋषि सुनक की लोकप्रियता की तुलना लोग टोनी ब्लेयर से करते हैं। ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी में काफी पसंद किए जाते रहे हैं। तभी 2015 में उन्हें यॉर्क के रिचमंड सीट से संसद के चुनाव में उतारा गया था। यह सीट कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। 100 वर्षों से ज्यादा समय से यहां कंजर्वेटिव जीतते रहे हैं। ऋषि तभी से लगातार इस सीट से सांसद है। बोरिस जॉनसन ने उन्हें 2019 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बनाया था। इसके अगले दिन ही उन्हें प्रिवी काउंसिल का सदस्य भी बना दिया गया। 13 फरवरी 2020 के कैबिनेट रिशफल में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। ये कोरोना महामारी का दौर था। इस दौर में महामारी के आर्थिक असर को कम करने, नौकरियां बचाने और कंपनियों को सपोर्ट करने की उनकी नीतियां जनता में काफी लोकप्रिय रही। और अब भारत मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना है। उन्हें चुनौती देने वाली पेनी मैरिडोंट ने नाम वापस ले लिया। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है। पेनी के पास यह आंकड़ा 26 ही रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।